खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए प्रतिक्रियाएं इस खबर पर सामने निकल कर आ रही हैं और कुछ ही देर पहले एबीपी न्यूज ने बात की है कुछ और नेताओं से, उनके कैसे रिएक्शन से जरा सुनिए। के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से जो आपत्तियां दर्ज कराई उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मनोज झा साहब हैं। सर, ये आपत्ति दर्ज कराई है राज्यपाल जी ने कि जब मंच पर शपथ ग्रहण हुआ तब लोग अपने परिवारों के नाम, अपने नेताओं के नाम पहले ले रहे थे, संविधान की बात बाद में की जा रही थी और मंच पे बहुत ज्यादा भगदड़ भी मच गई। देखिए, मंच पे भगदड़ और प्रोटोकॉल के लिए उनकी आपत्तियां, जाहिर है कि उसके विश्लेषण की आवश्यकता है और उन आपत्तियों में थोड़ा दम है, लेकिन जो नेताओं का नाम ले रहे थे उसके पीछे की तो कहानी लिखी गई थी, उसमें गवर्नर साहब तो शरीक है ना। मध्यरात्रि के जो फैसले होंगे, जो संविधान से फासला बढ़ाएंगे, उसके बाद संविधान की दुहाई माननीय गवर्नर साहब दे रहे हैं, तो वो मुझे थोड़ा प्रीतिकर नहीं लग रहा है। बाकी उनकी बात है, ठीक है। उन्होंने कहा कि आगे से जो भी शपथ हो उस पर इस बात का ख्याल रखा जाए कि अब ऐसा नहीं होना। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग ध्यान में रखें, ये मेरी भी गुजारिश होगी। और सिर्फ वही नहीं, बाकी गवर्नर भी तय करें कि मध्य रात्रि के फैसले जो सिंगल आईडी पे होते हैं, कोई मीडिया का आदमी नहीं, कुछ नहीं, सुबह अखबार खोलते हो तो आपको सरकार मिल जाती है। सर, एक सवाल और, कल हमने देखा कि नए चीफ मिनिस्टर एक सवाल पे भड़क गए, उनसे सेक्युलरिज्म पे सवाल पूछा गया, क्या शिवसेना सेक्युलर हो गई है, तो उससे बड़े नाराज हो गए। इसको इस तरह से नाराजगी जाहिर करने का मतलब? इस प्रश्न में भी थोड़ी तलखी का आलम था। अरे, जब दो चीजों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो उस सवाल की प्रासंगिकता मैं नहीं देखता था। सर, इतिहास को देखते हुए सवाल पूछा गया था ना कि उनका जिस तरह का इतिहास रहा है, आप कॉन्स्टिट्यूशन में डाल के क्या पार्टी सेक्युलर हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या बीजेपी अपने आप को सेक्युलर नहीं मानती है क्या? इस मुल्क में जो भी पार्टी होगी, माफ कीजिएगा, जब तक संविधान को आप रद्दी के टुकड़े में नहीं फेंकिएगा, आपको सेक्युलर बने रहना है, भले आपकी कारगुजारियां अलग हो। से बात करने के लिए मनोज झा, जिनका कहना है कि राज्यपाल ने जो आपत्तियां दर्ज कराई है वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। जिस तरह से उन्होंने सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाया था, और रही बात जहां तक सवाल, जो तीखा सवाल एबीपी न्यूज ने पूछा था उद्धव ठाकरे से, जिस पर वो भड़क गए थे, उनका ये कहना है कि इस तरह के सवाल की फिलहाल प्रासंगिकता नहीं थी। ये अपना तर्क है मनोज झा का। उनका कहना है कि जब तक संविधान है तब तक सभी पार्टियों को सेक्युलर रहना होगा।